चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छागल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः वदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरतिसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत श्री राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरे प्रिय वृंदाय तुलसीदेवी प्रियाय केशवस्य च कृष्णमूर्ति प्रदेवी सत्यव्रतये नमः नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम श्री गुरुपाद पद्म नित्यलीला विष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला भ्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण स्वर्ज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे, ब्रह्मा जी ये बता रहे हैं श्रेय श्रुति भक्ति मुदस्यते विभु क्लिशंति जे केवल बोधलब्ध है। इसका मतलब है जो भक्ति का मार्ग हो वो अत्यंत सरल मार्ग है। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग छोड़ करके और किसी किसी मार्गों को ज्ञान कर्म जो ये सब मार्गों को अपनाया करते हैं, जैसे चावल निकल गया जिससे केवल जो तूस रह गया भूसा रह गया, अगर उसको कोई कूटे तो जैसे उसको कोई लाभ नहीं है, उसी तरह भक्ति छोड़ करके जो ज्ञान मार्ग में जाते हैं उनका स्थिति ठीक वैसे है। इसलिए ब्रह्मा जी स्थापन करना चाहते हैं भगवान को पाने के लिए कर्म ज्ञान योग के द्वारा उनको कोई प्राप्त नहीं कर सकते। सबसे जो सरल मार्ग है भक्ति मार्ग हमें अपनानी चाहिए। अभी प्रश्न यह आता है भक्ति हमें कैसे करनी चाहिए, तो उसका उत्तर देते हैं बोले तत्व अनुकंपा सुमिक्ष मान भुंजामि एवात्मकृतम विपाकम। ब्रह्मा जी कहते हैं बोले हमें तत्व में प्रतिष्ठित होकर के जीवन में जो कुछ आता है सुख और दुख, कहते सुख कब आता है बोले भक्ति का जो फल है कहते उसका सुख है, बोले जो दुख है कहते ये अपराध का फल ये दुख है। अगर जीवन में जो भक्त जीवन में सुख और दुख को प्राप्त करता है लेकिन हर स्थिति को वो एक सा मान लेता है, जैसे कभी कभी पिता बच्चों को बड़े प्यार करके उसको कभी मिठाई खिलाते हैं लेकिन कभी कभी उसको नीम का रस भी पिलाते हैं, कभी कभी उसको प्यार भी देते हैं और कभी कभी उसको थप्पड़ भी लगाते हैं, लेकिन वो दो जो चीज़ है बच्चे के लिए कल्याणदायी, ऐसे नहीं जो उन्होंने सुख दिया यही उनके लिए अच्छा और उनको जो दुख दिया उनके लिए अच्छा नहीं कहते, ऐसे नहीं। बल्कि जब भगवान माता कुंती से बोले तुम वर मांगो, कुंती भगवान से यही प्रार्थना करती बोले प्रभु हमें विपत संतु में सख्या तत्र तत्र जगत गुरु, अगर हमें कुछ देना चाहते हो मेरे झोली में विपत्ति भर दो। बल्कि उन्होंने दुख ही प्रार्थना किया, सुख उन्होंने प्रार्थना नहीं किया। बोले क्यों? बोले दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे ना कोई,
जो दुख में जो सुमिरन करे, सुख में जो सुमिरन करे, दुख कहे को आए। इसलिए बल्कि दुख में ज्यादा भगवत स्मरण होता है और सुख में जी भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए कुंती कहती है, बोले प्रभु चार तरह का व्यक्ति तेरा कोई भजन नहीं करेगा। बोले कौन है? बोले जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीधि रदमान मत गुमान। कहती जो चार व्यक्ति के अंदर में बड़ा अभिमान आता है, बोले जन्म जिसको बड़े ऊंचे हाई फाई बोले में जन्म हो जाए, ऐश्वर्य जिसको पास में ज्यादा पैसा हो जाए, ज्ञान और जिसको थोड़ी सी देखने में सुंदरता हो जाए। कहते प्रभु उनके अंदर में बड़ा अभिमान आता है, इसे आपका भजन नहीं करते हैं, बल्कि नमो अकिंचन विताय निवृत गुण वृतये। आप तो जो अकिंचन जो दीनहीन हो, आप उनका धन हो। इसलिए यहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं, जीवन में जो कुछ आए, सुख आए और दुख आए, दोनों को बराबर रूप में मान ले, और जो दुख आए ये क्या समझे, कभी दूसरों के ऊपर कभी दोषारोप नहीं करे, क्योंकि भुंजामि एवात्म कृतम विपाकम। कहते हम जैसे बीज बोएंगे हमें वैसे ही फल मिलेगा। अगर हम नीम बीज बोएंगे वहाँ पर केले का वृक्ष नहीं हो सकता है, जहाँ पर हम केले का वृक्ष बोएंगे वहाँ पर नीम का वृक्ष नहीं। इसलिए पूर्व पूर्व जन्म में हमने जो जो कुछ किया है, कर्म किया, वो कर्म का फल हम भोग कर रहे हैं। ये चीज को मान करके कभी किसी को ऊपर में दुख, किसको ऊपर दोषारोप नहीं करते हुए क्या करे, भगवान की भक्ति करते रहे, भगवान की भजन करते रहे। और यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, कहते भक्त को ऊपर में कभी ये जगत का जो कर्म का जो फल है उसको ऊपर में कभी प्रभाव डाल ही नहीं सकता, क्योंकि जो भक्त है वो दुख सुख से अतीत होता है। जीवन में जो कुछ आता है वो भगवान की इच्छाओं को जान करके उसको भोग लेता है। भक्तों के ऊपर में कोई काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए उसका जीवन में जो कुछ आए वो भगवान की कृपाओं को मान करके वो कंटिन्यू भगवान की भक्ति करते रहते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, बोले तत्व अनुकंपा सुसुमिक्ष मान भुंजामि एवात्मकृतं विपाकम्। कद हृदिबाक बपुर भी विदधन नमस्ते जीवित जो मुक्ति पदे सदाय भाव। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुक्ति पथ का पथिक कौन बन सकता है, मतलब जीवन में मुक्ति कौन पा सकता है। कहते यहाँ पर जब श्री सार्वभौम भट्टाचार्य ने जब ये श्लोक को उच्चारण कर रहे थे, उनका मुक्ति को प्रति इतना घृणा हो गया था, बोले मुक्ति जैसे गंदा चीज जगत में कुछ है नहीं। इसलिए बोले नरक बाछ तब साजो जो नाचाए। भक्त लोग कहते भले ही हम नरक चले जाएंगे लेकिन हमें साजो जो मुक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि नरक जाने से नरक से कभी मुक्ति होता है, भगवान की भक्ति कर सकते हैं। लेकिन एक बार जीव जब वो ब्रह्म में लीन हो जाए, चिरकाल के लिए उसका सत्ता नष्ट हो जाती है, फिर तो कभी जीवन में भगवत भक्ति प्राप्त का कभी चांस उसको नहीं रहता। इसलिए भक्त कहते भले हम नर्क जाना चाहते कभी हम मुक्ति नहीं चाहिए। इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य ये चीज को समझ गए थे। बोले प्रभु मैं तो पहले कौआ था और का 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 करता था, ये झूठा ज्ञान को लेकर के चर्चा करता था। पहले मैं नीम रस आस्वादन करता था, नीम फल खाता था, लेकिन आप तो काक को आपने कोयल बना दिया, कौआ को आपने अब गरुड़ बना दिया, अभी तो हम कोयल बन करके हम तो आम का जो मकुल है, आपका आम का जो रस है फूल का, उसको मैं अभी आस्वादन करता हूँ, आप तो कौआ को प्रभु आप गरुड़ बना दिए। इतने उनको घृणा हो गया था। इसलिए जब ये श्लोक उच्चारण किया वो मुक्ति पद दाय भाग नहीं बोल करके उन्होंने भक्ति पद दाय भाग बोले। महाप्रभु बोले आप इसको भक्ति पद दाय भाग क्यों बताया, ये तो मूल शब्द में मुक्ति के लिए बताया, मुक्ति पद दाय भाग। कहते मुक्ति को कौन प्राप्त कर सकते हैं। बोले प्रभु मुक्ति का नाम सुनते मेरे को घृणा आती है।
भी नहीं। ये ब्रह्मा जी जो बात बताए वो कभी झूठ नहीं बोल सकते है, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास हुआ है। इसलिए मुक्ति पदे मतलब मुक्ति जिनकी चरण में निवास करता है, क्योंकि जब भगवान की भक्ति कोई प्राप्त कर सकता है, बोले भगवत भक्ति स्तरतरा भगवान यदि दैवेन दिव्य किशोर मूर्ति मुक्ति स्वयं मुकुंदा जलि सबत आसमान धर्म अर्थ काम समय प्रतीक्षा। भले जब किसकी हृदय में भगवान कृष्ण आविर्भूत हो जाता है, भगवत भक्ति आविर्भूत हो जाता है, बोले मुक्ति स्वयं मुकुंदा जलि सबत आसमान मुक्ति स्वयं उनके दरवाजा को बाहर खड़ी होती है हाथ जोड़ करके, कब मेरे को थोड़ी सी भगवान की सेवा में लगा दे। और धर्म अर्थ और काम समय प्रतीक्षा करता है, कब भक्त हमें थोड़ी भगवान की सेवा में लगाए। इसलिए यहाँ पर मुक्ति पद का मतलब होता है मुक्ति जिनकी चरण में भक्तों की चरण में वा भक्ति की चरण में ये मुक्ति अवस्थान करती है। जिसको भगवान की भक्ति मिल जाती है मुक्ति दासी जैसे उनको, जैसे रानी चलने पर उसको पीछे सब उनका सहचरी दासियां उसको पीछे पीछे चलती हैं, भक्ति उसी तरह रानी है। जब भगवत भक्ति प्राप्त हो जाए मुक्ति दासी जैसे उनको साथ साथ में चलती है। इसलिए मुक्ति पद मतलब जिनकी चरण में मुक्ति भी जिनके चरण की उपासना करती है, मुक्ति जिनके अधीन बन जाती है। बोले किसकी, बोले जो व्यक्ति जीवती, यहाँ पर इसलिए विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर कहते हैं भक्ति में जो दुख और सुख आता है वो चीज को भोग करते हुए भगवत भक्ति को छोड़े नहीं। लेकिन बद्ध जीव का कभी कभी क्या होता है, जब जीवन में भक्ति करते करते सुख आए उसमें तो बड़ा आनंद हो जाता है, लेकिन जब थोड़ी सी कोई दुख आ जाता है वो भले ही इस चीज को छोड़े नहीं छोड़े पहले वो भक्ति छोड़ने के लिए तैयार होता है। कब ये भक्ति को हम छोड़ दे, खाना नहीं छोड़ेगा सोना नहीं छोड़ेगा, लेकिन पहले वो भजन छोड़ने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन श्री विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर कहते हैं जीवती, वो उदाहरण देते हैं जैसे पिताजी की अथाह संपत्ति है, लेकिन वो संपत्ति को जीव कब प्राप्त करेगा बेटा, लेकिन जब जिंदा रहेगा तभी तो संपत्ति को प्राप्त करेगा, लेकिन अगर वो मर गया फिर संपत्ति उसको मिलेगा कहाँ से। इसलिए श्री विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं जीवती मतलब भगवान रस स्वरूप है, रस वैस रसम जगायाम लब्ध आनंद भवती, भगवान अखिल रसामृत मूर्ति, भगवान रस स्वरूप आनंद स्वरूप प्रेम स्वरूप है, वो सचिदानंद स्वरूप है। लेकिन वो आनंद को प्राप्त जीव कब करेगा, लेकिन जब चिरकाल के लिए जीव भक्ति में स्थित रहे, भक्ति को करते रहे, तब जाकर के तो प्रेम फल को प्राप्त करेगा। इसलिए ब्रह्मा जी यहाँ पर एक सुंदर हमें एक पैट बताते हैं, जीवन में जो कुछ आने पर भी लेकिन कभी भगवान भक्ति को हमें त्याग नहीं देनी चाहिए। सह मुक्ति पद दाई भाग कहते वही व्यक्ति ही मुक्ति की भक्ति के अधिकारी बन सकते हैं। फिर ब्रह्मा जी उसको बाद में कहते हैं बोले उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो किं कल्पते मातुरधक्षजा। ब्रह्मा जी कहते प्रभु आपका चरण में मैंने जो अपराध की है आपको ये अपराध माफ करना ही पड़ेगा। बोले क्यों, तो उन्होंने एक उदाहरण दिया, बोले प्रभु जैसे माँ के पेट में जब बच्चा होता है बच्चा कभी लात में मारता है पेट के अंदर, हाँ बच्चा कभी इधर उधर घूमता है, लेकिन उसको कभी माँ उसको कभी बुरा नहीं मानता है, उसको कभी अपराध उसका नहीं लेता है। बोले क्यों, बोले वो उसका बच्चा है। इसलिए उसी तरह आप हमारे पिता हो, अगर आप पिता होने का नाते ये विश्व ब्रह्मांड आपको गर्भों के अंदर में ये विश्व ब्रह्मांड है। इसलिए कहते हैं आप स्वयं भगवत गीता में बताए बोले पिता अहमस्य जगत धाता माता पिता मा, आप स्वयं कहते हो अर्जुन ये विश्व ब्रह्मांड को विश्व ब्रह्मांड का पिता माता भाई बंधु मैं ही सब कुछ। इसलिए बोले तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु स सखा तुमेव
तमेव विद्याम द्रविण तमेव तमेवम सर्वम मम देव देव। इसलिए भगवान को पिता माता भाई बंधु सब भगवान को बताया गया। जब आप ही जगत का पिता माता और सत असत जगत में जो कुछ दिखता है सब आपका अंदर में सारे विश्व ब्रह्मांड है। जब आपका पेट में विश्व ब्रह्मांड विद्यमान है कहते मैं भी तो आपके गर्भ में विद्यमान हूँ। इसलिए मैं आपका बच्चा होने का नाते इसलिए आपका कर्तव्य है हमने जो आपका जन्म में अपराध की है कि अपराध आपको माफ करना ही पड़ेगा। इसलिए है प्रभु मैं आपका बच्चा हूँ आप मेरे अपराध को माफ कर दो। इतने में भगवान कहते हैं बोले ब्रह्मा जी आप मेरे को अपना पिता माता क्यों कहते हो? क्योंकि आपका पिता मैं नहीं हूँ। आपका जो सृष्टि है वो तो नारायण का नाभि कमल से आपका सृष्टि हुई इसलिए आपका पिता तो नारायण है आपका पिता तो मैं नहीं हूँ। तो ब्रह्मा जी इसका उत्तर देते हैं बोले प्रभु आप ही मूल नारायण हो। जो नारायण है भगवान से अभिन्न रूप में श्री बलदेव प्रभु प्रकट होते हैं। बलदेव प्रभु से फिर मूल संकर्षण फिर मूल संकर्षण से फिर चतुर्व्यूह प्रकट होते हैं। वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध वो संकर्षण से फिर कारणतोषाई गर्भतोषाई और क्षीराब्धिशाही इससे ये सब प्रकट होते हैं। लेकिन इसलिए आप जगत का जो नारायण हो आप ही मूल नारायण हो। मैं जिनसे प्रकट हुआ हूँ वो तो आपका अंश का अंश का अंश का अंश है इसलिए आप ही मूल नारायण। इसलिए आपको मेरा अपराध माफ करना पड़ेगा। तब ब्रह्मा जी कहते हैं बोले तथा पिते पदाम भुज दोय प्रसाद लेसानुग्रह एव हि जानाति तत्त्वं भगवत महिम्नम् न चन्न एक अपि चिरं विचिन्नम्। तद हे प्रभु तथा पितनाथ पदाम्भोज द्वय तद हे प्रभु आपका जो महिमा है जगत में कोई नहीं जान सकते। इसलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सही जाने जा रहे तेरु जाना है। उनको वही जान सकते हैं वो कृपा करके जिसको स्वयं जनाते हैं। अगर वो किसको कृपा करके नहीं जनाते हैं तब उनको तत्व को कोई जान ही नहीं सकते हैं। इसलिए लास्ट में ब्रह्मा जी ये बताएंगे बोले प्रभु ये पृथ्वी का धूल कण का कोई गिन सकता है बारिश का बूंद को कोई गिन सकता है लेकिन प्रभु आपकी महिमा को कोई पार नहीं पा सकते। इसलिए केवल आप भी महिमा वही जान सकते हैं आप जिसको कृपा करके जनाओगे नहीं तो आपका तत्व कोई जान ही नहीं सकते हैं। इसलिए बोले एक समय कहीं कथा आती है जैसे चैतन्य चरितामृत में कभी ब्रह्मा जी को कभी अभिमान हो गया। एक दिन ब्रह्मा जी भगवान को दर्शन करने के लिए द्वारका में पहुंचे। इतने में द्वारपाल जाकर के प्रभु से बोले कोई एक ब्रह्मा आपको दर्शन करने आए। तो भगवान ने उसको बोले उसको पूछो वो कौन सा ब्रह्मा है। दरबार उनको पूछा आप कौन सा ब्रह्मा हो। इतने में ब्रह्मा तो भड़क गए तो ब्रह्मा क्या दसवीं सोता है जाकर बता दो हैं जाकर बता सन के पिता ये ब्रह्मा जी है। तो द्वारपाल जाकर के प्रभु से बोले प्रभु जब मैंने पूछा ये कौन सा ब्रह्मा है वो तो भड़क गए बोले ब्रह्मा क्या दसवीं सोता है मैं सन के पिता ब्रह्मा हूँ। भगवान समझ गए ब्रह्मा जी मन में अभिमान है वो सोचते हैं केवल एक ही ब्रह्मा है लेकिन उसको पता नहीं ये सबसे छोटा ब्रह्मा है और ये जो ब्रह्मांड है ये सबसे छोटा ब्रह्मांड है और जो ब्रह्मांड है अनंत करोड़ ब्रह्मांड है जो ब्रह्मा भगवान की एक एक लोम कूप में कोटि कोटि ब्रह्मांड भास रहे हैं विद्यमान है ये ब्रह्मा जी को ये वक्त पता नहीं। इतने में भगवान बोले ठीक है और ब्रह्मा जी को बुला। जब ब्रह्मा जी को बुलाए इतने में ब्रह्मा आते ही भगवान से प्रश्न करना चाहते बोले प्रभु मेरे मन में एक शंका हो गया हैं एक शंका हो गया इस शंका का थोड़ा समाधान कर दो आप एक कोड़े में खड़े हो जाओ अभी समाधान करता हूँ। इतने में भगवान दूसरे दूसरे जो ब्रह्मांड थे ब्रह्मांड का जो ब्रह्मा जी थे
भगवान उनका स्मरण किया, स्मरण करते ही इतने में ब्रह्मा देखा, 8 सर वाले ब्रह्मा आ गए। और भगवान जिस अपना चरण को जो सिंहासन के ऊपर रखे थे उसको चरण के ऊपर में अपना प्रणाम जब किया, उनका 8 सर मुकुट लगा हुआ और जो प्रणाम कर रहे थे झनकार शब्द हो रहा था। और भगवान पूछ रहे थे क्यों ब्रह्मा जी सब कुशल मंगल है, बोले प्रभु आपका आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है। इतने में देखा 16 शिर वाले ब्रह्मा आ गए, फिर देखा 32 शिर वाले ब्रह्मा आ गए, देखा 64 शिर वाले ब्रह्मा आ गए, 10 शिर वाले शंकर जी आए, 20 सर वाले शंकर जी आए, 40 शिर वाले शंकर, 80 ऐसे हजार हजार सर वाले ब्रह्मा शंकर जी आए और प्रभु का चरण में प्रणाम कर रहे थे और भगवान प्रश्न कर रहे थे सब कुशल मंगल है ना, बोले प्रभु आपका आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है। ब्रह्मा का स्थिति यह हो गया जैसे हाथियों के बीच में जैसे मच्छर होता है। ब्रह्मा जी ने देखा हे भगवान मैं तो सोच रहा था मैं अकेला ब्रह्मा हूँ, 4 सर वाले, देखता हूँ सबसे छोटा ब्रह्मा और जितने सारे ब्रह्मा हमसे बड़े ब्रह्मा हैं, हाँ? इसलिए ब्रह्मा जी कहते बोले प्रभु आपकी महिमा को वही जान सकता है आप कृपा करके जिसको अपना महिमा को जनाते हो, अगर आप किसको नहीं जनाओगे करोड़ों तपस्या कर लेने पर भी आपको वो पहचान नहीं सकते। अब तब समय है 5 मिनट, इसलिए ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, बोले तदस्तु मे नाथ सभूरी भाग्य भवे अत्र वा अन्यत्र वा तिरस्याम जेना अहम मेक अपि भगवत जनानाम भूत्वा निसेवे तव पाद पल्लवम। तो ब्रह्मा जी प्रार्थना करता है बोले प्रभु मेरे मन में अभी एक ही इच्छा है, क्योंकि पहले आपकी महिमा को मैंने समझा नहीं था, मैं तो सोच रहा था आप तो कोई ग्वाल वाल हो जो सखाओं को साथ में गैया चराते हो, हैं, और सखाओं को साथ में खेलते रहते हो कूदते रहते हो, पहले तो मैं ये समझ रहा था, अभी मैंने समझ गया प्रभु जस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कुटीसु अशेष वसुधाति विभूति विर्नम जद ब्रह्म निष्कल अनंत अशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। अभी तो मैं समझ गया अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड जिनकी इच्छा से सृष्टि स्थिति प्रलय होता है, जिनकी इच्छा से ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, जिनकी इच्छा से विष्णु पालन करते हैं, जिनकी इच्छा से शंकर जी संहार करते हैं, जिनके एक एक लोक में विश्व करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, जिनके अंग ज्योति जिसको ज्ञानी लोग ब्रह्म कहते हैं वो आपका अंग का ज्योति है, मैं तुम्हें समझ गया अभी। इसलिए बोले जब तुम चाहते हो क्या, बोले प्रभु मेरे को एक चीज प्रदान कर दो, हाँ मेरे केवल एक चीज प्रदान कर दो, बोले क्या चाहते हो, बोले प्रभु मैं यही चाहता हूँ आपका दास बनना चाहता हूँ, आपका सेवक बनना चाहता हूँ, हाँ? इसलिए कहीं भी मेरा जन्म हो ब्रह्मांड में कहीं भी मेरा जन्म हो जाए प्रभु मैं चाहता हूँ भले ही मेरा कोई त्रिजक जोनी में, त्रिजक मतलब होता है जैसे कोई चिड़िया जन्म हो जाए, नहीं तो कोई पशु जन्म हो जाए, नहीं तो कहीं पत्थर जन्म भी हो जाए, हैं? इसलिए मेरे को जैसे आपका चरण में हमारी यही प्रार्थना है आपका जैसे हम दास बनकर के जन्म हो। तब भगवान को ब्रह्मा जी को प्रश्न करते हैं, बोले ब्रह्मा जी स्थिर अपना बुद्धि को स्थिर करते हुए मांगो, क्योंकि आप तो कोई साधारण है नहीं, आप दुनिया को सृष्टि करने वाले, दुनिया को सृष्टि करते हो ब्रह्मा, ब्रह्मा होकर के इतने छोटे जन्म क्यों प्रार्थना कर रहे हो, चिड़िया जन्म क्यों प्रार्थना कर रहे हो, जानवर जन्म क्यों प्रार्थना कर रहे हो, पत्थर जन्म क्यों चाहते हो, अरे कोई बढ़िया जन्म तो चाहो, इतने छोटे जन्म क्यों चाह रहे हो। बोले प्रभु इसलिए मैंने ये त्रिजक जोनि में जन्म ग्रहण करना चाहता हूँ, ऐसे नहीं कोई पक्षी होने पर तुम्हारी भक्ति नहीं कर सकता, पक्षी भी तेरी भक्ति कर सकते, काग भूषण भी पक्षी है और दिन रात भगवान राम की कथा सुनाते, गरुड़ जी भी पक्षी है लेकिन आपका बहान है, हाँ आपकी वो बहान है, ऐसे नहीं पशु जन्म में भी तेरा भजन नहीं होता, हाथी भी भजन किया, जब मगरमच्छ पकड़ करके ले जा रहा था हाथी भी आपको फूल दे कर आपको भी पुकारा, इसलिए ऐसे नहीं कोई पत्थर भी भजन नहीं कर सकता कि ऐसे नहीं, इसलिए ब्रज में जो पत्थर भी है ना वो पत्थर भी ब्रह्मा स्वयं ब्रह्माचल पर्वत रूप में जन्म हुई, शंकर जी स्वयं नंदीश्वर पर्वत रूप में प्रकट हुई, साक्षात भगवान विष्णु भी गिरिराज गोवर्धन में
पत्थर बनकर भी जन्म। इसलिए ऐसे नहीं पत्थर जन्म होने पर कोई भक्ति नहीं कर सकता, ऐसे नहीं, पत्थर जन्म में भी पशु पक्षी जीवन में भी तेरा भजन हो सकता है। इसलिए मैं एक ही चीज प्रार्थना करता हूँ, तेरा दास बन करके रहूं, तेरे भक्त बन करके रहूं, और तुम्हारे जो भक्त है ना उनको पीछे पीछे चलो, आगे आगे नहीं, भक्तों का पीछे पीछे, पीछे पीछे भक्तों का चलो, फिर तो एक दिन मेरे को आपकी भक्ति प्राप्त हो सकता है। इसलिए प्रभु मैं केवल यही चीज चाहता हूँ। फिर उन्होंने ये सब चीज प्रार्थना जब उन्होंने की, फिर उन्होंने देखा मैंने भगवान को इतने बढ़िया बढ़िया स्तुति स्तम करता हूँ, लेकिन भगवान है ना वो अपना सखाओं के साथ में खेल रहे हैं, गलबेनिया दे फूल को लेकर घुमा रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी की तरफ में देख नहीं रहे भगवान। वो अपना सखाओं के साथ में मस्त में आनंद में मस्त सखाओं के साथ उनको तरफ में ध्यान ही नहीं दे। ब्रह्मा जी ने देखा इतना इतना बढ़िया बढ़िया स्तुति स्तव कर रहा हूँ, ये दो प्रभु तो मेरे तरफ में देख ही नहीं रहे, अभी क्या करें, अभी क्या करें, प्रभु तो मेरे अपराध को माफ नहीं कर रहा है, अभी क्या करें। उन्होंने देखा अभी तक मैंने भगवान की महिमा को गाया है, लेकिन अभी कोशिश करता हूँ उनका थोड़ी भक्त और ब्रजवासियों का महिमा को थोड़ी गाऊं, हो सकता है भगवान खुश हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने फिर ब्रह्मा जी उनकी माधुर्य जो भक्त जो ब्रजवासी है जो रागात्मिक जन उनका जो भक्त है फिर उनका प्रार्थना कर रहे हैं। बोले अहोति धन्या ब्रजो गुरमन्या स्तन्यामृतम पीतमतीवते मुदा जासाम बीभवत्सरात्मा आत्मनाम जत तृप्तये अद्याप्येथ न चालम मधुता। तो उन्होंने कहते अहोति धन्या ब्रजो गुरमन्या। बोले प्रभु आपका जो ब्रजवासी है ब्रज की ब्रज का जो रमणिया है और ब्रज की जो गैया है ना हाँ ब्रज की जो बछड़ा है प्रभु आपकी जो आपको संतुष्ट करने के लिए कितने कितने यज्ञ कर रहे हैं लोग, इंद्र स्वाहा वरुणाय स्वाहा 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 करते हैं हाँ स्वाहा 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 करते हैं, लेकिन करते करते भी आपको कोई संतुष्ट नहीं कर पाता है, संतुष्ट नहीं कर पाता है। लेकिन ब्रज के जो रमणी और ब्रज के जो गैया जो बछड़ा है ना प्रभु इनका जीवन धन्य है। बोले क्यों? बोले जिस समय ब्रह्मा ने कृष्ण का बछड़े और सखाओं को उन्होंने चोरी कर लिए, जब कृष्ण को पता चला ब्रह्मा जी मेरे महिमा को समझ नहीं पाया, मेरे बछड़े और सखाओं को उन्होंने चोरी करके ले गया, उसी समय कृष्ण स्वयं बछड़े बन गए और कृष्ण स्वयं सखा रूप धारण कर लिया। बछड़े कृष्ण सखा रूप धारण करते हुए क्या हुआ, वो चले गए ब्रज में चले गए। अब ब्रह्मा तो इनको लेकर छुपा दिया हाँ, बछड़े सखाओं को ने छुपा दिया और यहाँ पर कृष्ण स्वयं बछड़े सखा बन गए। और बछड़े सखा बन करके आप देखे होंगे जब बछड़ा दूध पीने के लिए जाता है, आप देखे होंगे जब दूध पीने के लिए जाते हैं कृष्ण स्वयं बछड़े बने हुए, आप देखना अगर बछड़े को गले में अगर रस्सी लगा हुआ हुआ ना, अगर उसका मैया आ गया दूध पीने का समय हो गया, आप बछड़े का रस्सी तक भी खोल नहीं पाओगे, मतलब इतने उसके अंदर में दूध पीने के लिए इतने उत्कंठा है। अब देखना जब वो जाकर दूध पीता है मैया को स्तन में सर मारने लग जाता है और पूछ वो खड़े कर देता है और उन्हें दूध पीता है और दूध पीते समय कितने खुश होकर दूध पीता है, कितने खुश होकर दूध पीता है बछड़ा। अब देखना बच्चे जब माँ की स्तनपान करता है कितने खुश होकर मैया की स्तनपान करता है। कहते यहाँ पर कहते कृष्ण और यहाँ पर कृष्ण स्वयं यहाँ बछड़ा बन गए और कृष्ण स्वयं वहाँ पर सखा बन गए और बछड़े सखा बन कर क्या कर रहे हैं, जितने ब्रज के मातृस्थानीय गोपियाँ थी ना उनके कृष्ण स्तनपान कर, और बच्चा जब स्तनपान करता कितने खुश होकर के, और बछड़ा जब स्तनपान करता कितने खुश होकर स्तनपान करता है, जो देखे उनको ये पता है बछड़ा कैसे स्तनपान करता है। इसलिए कौन बछड़े यहाँ पर, बोले कृष्ण स्वयं, और ये सखा कौन है, ये बच्चे कौन है, कृष्ण स्वयं। कहते हे प्रभु आपको हजार हजार साल से ऋषि मुनि तपस्वी यज्ञ करते हुए आपको प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन जो यज्ञ के द्वारा आप प्रसन्न नहीं होते हो, लेकिन यहाँ पर तो आप
बछड़े और सखा बन करके सबका दूध पी रहे हो, और दूध पीते समय कितने आनंदित होकर दूध पी रहे हो, कितने खुश होकर आप दूध पी रहे हो। तो प्रभु आपको तो ये ब्रजवासी जो जितने माता हैं और जितने गैया, आप इनको द्वारा आप जितने संतुष्ट हो जाते हो, और किसी को द्वारा आप इतने संतुष्ट नहीं होते हो इतनी। इसलिए इन लोगों का जो महिमा है अपरंपरा महिमा है, पर उसको बाद में कहते हैं, बोले अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो गोसाम जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। यहाँ पर कहते हैं पहला श्लोक में अहो, मैंने एक बार उन्होंने अहो शब्द किया। अहो कब होता है? जब कोई आश्चर्य चीज हमें देख लेता, अरे क्या आश्चर्य है, कहते हैं ना क्या आश्चर्य चीज है। इसलिए पहला श्लोक में तो उन्होंने एक बार अहो बताए, मतलब ये जो रागात्मी का जो ब्रज का वासी है, जो वहाँ की जो गैया है, ये कोई साधारण वस्तु नहीं, ये कोई साधारण नहीं, ये भी सच्चिदानंद स्वरूप है। और जितने सारे माता हैं ये भी कोई साधारण नहीं, इनके कितने सौभाग्य। लेकिन दूसरे श्लोक में कहते हैं अहो और अहो, यहाँ पर दो बार, मतलब बहुत जब कोई आश्चर्य हो जाता ना कोई चीज को, तो बाबारी क्या आश्चर्य क्या आश्चर्य, हम ऐसे कहते हैं ना। इसलिए यहाँ पर कहते हैं अहो भाग्यम, उन्होंने दो बार अहो अहो उन्होंने दो बार प्रयोग किया। बोले क्यों, किस लिए प्रयोग किया? बोले ये ब्रजवासी लोग कितने सौभाग्य है। बोले कृष्ण कौन है? बोले पूर्ण, ये स्वयं आनंद कंद भगवान है, पूर्ण है कृष्ण। इसलिए जिनको बताए ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारण, कृष्ण सारी कारणों का कारण है। इत चांस बलापुष कृष्णस्तु, भगवान स्वयं जितने अवतार है कृष्ण का कोई अंश कोई कला, लेकिन कृष्ण कौन है? कहते ये स्वयं भगवान है, ये पूर्ण है। जिनको वेद कहता है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, जो पूर्ण है भगवान है, जिनको पूर्ण ब्रह्म सनातन कृष्ण, ये स्वयं ब्रह्म, ब्रह्म जिनका अंग कांति है, जो सनातन है कृष्ण, लेकिन वो पूर्ण ब्रह्म सनातन होकर उन्होंने क्या कर रहे हैं, किया क्यों, ब्रजवासियों का इतना महिमा है। बोले जन मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम, ये पूर्ण ब्रह्म सनातन होकर कर रहे हैं क्या। बोले ब्रज में किसका सखा बन गया, और सखा बन करके जिस सखाओं को साथ में कहीं जाते हैं जंगल में, कोई अगर बढ़िया फल मिलता है ना, सखा लोग पहले खा लेते हैं, कहते कन्हैया बड़ा फल बड़ा मीठा है। बोले सारे तो अकेले खाओगे, मेरे को नहीं दोगे, एक बार खा लिया झूठा कृष्ण छीन लेते हैं उसका झूठा फल खाते हैं। वाह कितने मीठा फल था, तू अकेला खा रहा था, मेरे को नहीं देंगे, कृष्ण उसको झूठा खाते हैं। अगर सखाओं को साथ में खेलते खेलते अगर कभी कृष्ण हार गए, सखा कहते कन्हैया घोड़ा बन घोड़ा बन, हमको यहाँ से भांडरी बट से हमें माठ बन से भांडरी बट ले चल। कृष्ण कहते मैं नहीं चलता हूँ घोड़ा नहीं बनता, पर सखा लोग कहते ए इसको अलग कर दो, इससे ऐसे कोई बात नहीं करनी, सखा लोग कोई बात करते इसको अलग कर दो निकल जाओ हमारे पार्टी से। कृष्ण कहते नहीं 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 मेरे को अलग मत क्या करो, साथ में क्या करो, मैं घोड़ा बनता मेरे कंधे पर बैठ जा, फिर कृष्ण घोड़े बन जाते हैं उनके, और भगवान होकर के भगवान कभी कभी उनको सामने परास्त हो जाते हैं भगवान। इसलिए किसका कृष्ण मित्र बन गए और किसका कृष्ण का बेटा बन गए, सारा दुनिया का कान पकड़ कर उठाता बैठा था, लेकिन अगर कृष्ण कहीं थोड़ी उल्टा पुलटा कर दिया ना, सीधा माँ कान पकड़ती है। बोले क्यों रे? फिर कृष्ण मार की ढेर बरस गए, तो बोलिया भैया मैं नहीं माखन खाए, मैंने मक्खन नहीं खाया भैया, मेरे को मारने डर जाते हैं, पुखल में बांध देते हैं, है उनको गोद में लेकर सोती है। इसलिए और अगर गोपियाँ कभी माननी हो जाती है, कभी राधा रानी मान कर लेती है, उनके चरणों में गिर जाते हैं, अपना बंसुरी मयूर मुकुट ग्रह करें, कहते हैं राधे आज तुमने इतने क्यों मान किया, मान तो छोड़ दो, मान तो छोड़ दो, इसलिए तुम्हारी चरण तो मेरे सर पर रखो, तुम्हारी चरण तो बड़े उदार चरण है। इसलिए कहते हैं ये ब्रजवासियों का महिमा तो हम बता ही नहीं सकते। इसलिए बोले अवभाग्यम अवभाग्यम, जो उन्होंने ऐसे ब्रजवासियों की महिमा गाई ना, बस कृष्ण थोड़ी सांस पड़े, कृष्ण खुश हो गए। फिर ब्रह्मा को पता चला कृष्ण का कमजोर कहाँ पर है,
कृष्ण का कमजोर मतलब कृष्ण शिक्षा देते हैं, अगर मुझे तुम प्रसन्न करना चाहते हो एक काम से खुश कर सकते हो, जब मेरे भक्त को तुम सेवा करोगे ना, मेरे भक्तों की वंदना करोगे, मेरे सेवा से मेरे वंदना से मैं जितने संतुष्ट होता हूँ उससे ज़्यादा संतुष्ट होता हूँ, अगर कोई मेरे भक्तों की सेवा करे, मेरे भक्तों की महिमा गाए, इससे मैं ज़्यादा संतुष्ट होता हूँ। इसलिए उनको भगवान की कमजोर पता चला है तो फिर उनके चरण में उन्होंने प्रणाम किया, फिर तीन बार परिक्रमा करते हुए ब्रह्मा जी वहाँ से जल्दी जल्दी चले गए। बोले क्यों? बोले अभी तक तुम्हें भगवान की लीला में बाधा किया, क्यों? भगवान भोजन कर रहे थे, भोजन कर रहे थे भगवान, भोजन का बीच में कृष्ण का बछड़े सखा को चुराया, अगर कोई खाना खा रहे हैं, अगर खाना के बीच से उठना पड़ा कितना कष्ट की बात है, हा? खाना एक रस होता है, भगवान को एक तो खाने को बंद किया और फिर जब तक यहाँ पर रहूंगा भगवान के लीला में मैं डिस्टर्ब करते रहूंगा, इसलिए ब्रह्मा जी बस तीन बार जल्दी, नियम होता है चार बार परिक्रमा करना, फिर तीन बार परिक्रमा कर ब्रह्मा जी वहाँ से जल्दी जल्दी चल पड़े वहाँ से। बोले और भगवान की लीला में कोई हमें अपराध नहीं करनी चाहिए, बाधा नहीं करनी चाहिए। फिर ब्रह्मा जी को पता चला भगवान तो मेरे को ऊपर से थोड़ा खुश हुए लेकिन दिल से संतुष्ट नहीं हुए, इसलिए मैंने सोचा फिर क्या करनी चाहिए। फिर देखा यही कृष्ण कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु बन करके आएंगे, फिर मैं हरिदास बनकर के आऊँगा और ब्रह्मा बनकर नहीं आऊँगा, भगवान मेरे को इतना बड़ा पोस्ट दे दिया ना, कहते ना प्रभुता भाई कामदना, प्रभुता ऐसे की चीज है अगर जिसको ज्यादा कोई बड़ा पोस्ट मिल जाए ना अपने आप उसको अभिमान आ जाता है। बोले नहीं और ब्रह्मा बनकर नहीं आऊँगा, अभी इसी बार मैं मुसलमान जाति में जन्म लेकर आऊँगा, छोटे जाति में जन्म लेकर आऊँगा, फिर मेरे अंदर में दीनता रहेगी और भगवान की कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेरी सुमेरी नर उतरे परा कलयुग का युग धर्म हरिनाम संकीर्तन, फिर महाप्रभु को हरिनाम करते करते उनकी सेवा करूंगा, छोटे बनकर रहूंगा। फिर महाप्रभु लीला में ये हरिदास ठाकुर बनकर आते हैं और महाप्रभु की ये सेवा करते हैं। इसके बाद और बहुत कुछ है और कभी आकर के फिर मैं बोलूँगा। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।